रायसेन पुलिस ने किया महज 3 दिन के अंदर बड़ी चोरी की घटना का खुलासा। महज 72 घंटे के भीतर ही चोरी के आरोपियों को भेजा सलाखों के पीछे। जी हां, रायसेन पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है, जहां पर सिलवानी के साईखेड़ा में विगत 17 फरवरी को हुई करीब 15 लाख की चोरी का खुलासा घटना के 3 दिन के अंदर ही चोरों को सलाखों के पीछे भेज कर किया गया है। रायसेन पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला ने बताया कि फरियादी सुनील रघुवंशी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हम पास के घर में शाम 6 बजे पूजा के लिए गए हुए थे और घर में ताला बाहर से लगा हुआ था। इसके बाद रात 9 बजे जब हम घर वापस आए तो देखा तो कि अलमारी में रखा हुआ करीब 28 तोला सोना एवं 600 ग्राम चांदी गायब है, जिसकी सूचना सिलवानी थाने में दी गई। इसके बाद महज 3 दिन के अंदर ही रायसेन पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला जी के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा के निर्देशन में एक टीम को गठित किया गया, जिसमें सिलवानी के साईखेड़ा की चोरी की घटना का खुलासा महज 72 घंटे के अंदर ही किया गया। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी में से एक आरोपी फरियादी का दूर का रिश्तेदार है, जिसको यह पता था कि घर में सोना चांदी के जेवरात कहाँ रखे हैं और चाबी कहाँ रखी है। इसके बाद फरियादी के रिश्तेदार आदित्य रघुवंशी को पूछताछ के लिए लाया गया और फिर पूछताछ में उसने अपने 3 साथियों के साथ इस चोरी की घटना को अंजाम देने की बात को कबूल किया और वही आरोपी के पास से 28 तोला सोना एवं 600 ग्राम चांदी के साथ एक घड़ी भी बरामद की गई। 17 फरवरी को साईखेड़ा में श्री सुनील रघुवंशी रहते हैं। वो अपने पड़ोस में एक पूजन में गए थे। जब शाम को वो घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में जो अलमारी में लगभग 28 तोला सोना के जेवर थे वो थे नहीं। उस पे से उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस में थाना प्रभारी SDOP तत्काल मौके पर पहुँचे और उन्होंने पाया कि जो उनकी अलमीरा थी उसकी चाबी उन्होंने बाजू में ही एक बक्से में रख रखी थी ओपन, और जो दरवाज़ा था कमरे का वो खुला था। जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तो देखा कि उनके बाहर का ताला ऐसा सच है, वो टूटा नहीं है, तो कोई जो व्यक्ति जिसने ये वारदात की है वो छत से सीढ़ी के माध्यम से अंदर प्रवेश किया है। अगले दिन एडिशन साहब भी वहाँ मौके पर गए, उन्होंने मुआयना किया, निर्देश दिए और हमें ऐसा लगा कि यह घटना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित की गई है जो इनकी भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ है और पूछताछ के आधार पर इसी गांव में रहने वाले आदित्य, देवेंद्र, नीतेश और सुनील रघुवंशी को हमने पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार किया और उनके पास से ये सोने के जेवरात जब्त किए। फरियादी के ये लोग रिश्तेदार हैं? ये लोग फरियादी के दूर के रिश्तेदार हैं। जब्त हुआ है इसमें लगभग 15 लाख का सोने का जेवरात जब्त हुआ है और जैसा जेवर था ऐसा वैसा ही इनके पास से मिला। चूंकि गिरफ्तारी अति शीघ्र हुई तो ये कहीं बेच नहीं पाए और इन्होंने अभी तक की जानकारी से ये पहली वारदात है। ये लोग छोटा मोटा ऊपरी खेतियर टाइप का काम करते हैं और पूछताछ की जा रही है। पुलिसकर्मियों को सम्मानित करें। इसमें जो हमारी टीम थी मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और इन लोगों को 500 रुपये कैश रिवार्ड मेरे द्वारा दे दिया गया है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रायसेन से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।